उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पछवादून के ग्राम सभा रुद्रपुर में गौना नदी के पास भूमाफियाओं का आतंक चरम सीमा पर है। ऐसे में ग्राम सभा रुद्रपुर के प्रधान देवराज सेमवाल ने बीड़ा उठाया भूमाफिया को जड़ से उखाड़ने का। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बाद भी भूमाफियाओं पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उनकी सभी कोशिशें नाकाम हो रही है। ग्राम प्रधान देवराज सेमवाल ने कहा कि सरकार को पत्राचार के माध्यम से कई बार सरकार को भूमाफिया के द्वारा घेरी हुई जमीन के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 250 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार भूमाफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई करे तो भूमाफियाओं के चंगुल से लगभग 250 बीघा भूमि मुक्त करा सकती हैं। उन्होंने कहा कि वो लगातार भूमाफियाओं पर सरकार के माध्यम से शिकंजा कसते रहेंगे। क्या करेंगे, सब आने वाले टाइम में बड़ी दिक्कत होती है, तो हमने तो सरकार से कहा है कई बार कि और पत्र व्यवहार भी किया है, लेकिन उसमें कोई खास कार्रवाई हुई नहीं है। एक बड़ी समस्या हमारे सामने चल रही है। लगभग कितनी भूमि पर अवैध कब्जा हो गए हम? ग्राम सभा रुद्रपुर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 250 बीघा जमीन इस तरह से हमारी अवैध कब्जे में है, और अगर इस पर कार्रवाई की जाए तो सरकार को एक बड़ी भूमि अलग से निकालने का मौका मिलेगा। सर, आप यहाँ पर ग्राम प्रधान भी हैं और कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में एक हब बन गया है ये अवैध रूप से जो है जमीन घेरने का, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो पा रही अभी तक संबंधित विभाग द्वारा? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार फिर मुझे विश्वास हो रहा है कि शायद कुछ कार्रवाई हो जाए, इसलिए अब मैं फिर एक बार प्रशासन से गुहार लगाऊंगा, शासन से कि उस पर उचित कार्रवाई करें और ज़मीन को जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों के कब्जे से छुड़ाए। पहले भी उठाया था, क्या कार्रवाई इसमें कहाँ तक पहुँचे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ग्राम सभा प्रधान रुद्रपुर और अभी गौना नदी में उपस्थित हूँ। आपके द्वारा बिल्कुल सही मुद्दा उठाया गया है और पहले भी ये मुद्दा उठ चुका है। यहाँ पे ग्राम सभा रुद्रपुर के अंदर अवैध कब्जे बहुत ज़्यादा है, और ये जो पास ही में है ये दीवार दिख रही है नदी के पास, ये सब अवैध है, और इसका नाप जोख के लिए भी हमने प्रयास किया था, तहसील प्रशासन को भी सूचित किया था, उप जिलाधिकारी के संज्ञान में था, जिलाधिकारी के संज्ञान में था, लेकिन इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। और इस तरह की कार्रवाइयाँ जब नहीं होती हैं तो फिर जनप्रतिनिधि भी साइलेंट बैठने का काम करते हैं, क्योंकि कोई विश्वास नहीं हो पाता कि इस पर कोई उचित कार्रवाई हो। ऐसे में एक ग्राम प्रधान लगभग सालों से प्रयास कर रहा है ग्राम समाज की भूमि को छुड़वाने का, ग्राम प्रधान की अगर प्रशासन में नहीं सुनी जा रही तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, आम जनता की क्या सुनाई होती होगी? आम जनता तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि उनकी तो वहाँ तक उतनी अप्रोच नहीं होती है। हमारा तो थोड़ा सा एक जनप्रतिनिधि होने से हमें कुछ अधिकार भी मिले।